हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट ईथर्स और एचआई की रिएक्शन हमने थोड़ी बहुत डिस्कस करी थी। बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा ढंग से समझ में आया भी नहीं होगा, ठीक है, तो एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं इसे। तो जब अपन ईथर की रिएक्शन कराते हैं एचआई के साथ, तो इट कन्वर्ट्स टू वन मॉलिक्यूल अल्कोहल एंड अदर मॉलिक्यूल, ठीक है, आरआई, इस तरह से। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर इसका मैकेनिज्म क्या है, SN1 है, तो क्या होगा, पहले ये प्रोटोनेट हो जाएगा और लीविंग ग्रुप के फॉर्म में चला जाएगा, तो इट विल फॉर्म अल्कोहल एंड कार्ब केटायन। अब जो कार्ब केटायन है ये I माइनस के साथ बॉन्डिंग करके और RI बना लेगा, ठीक है। तो ये कार्ब केटायन अगर टर्शरी है या सेकेंडरी है या फिर क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो फिर ऐसे केस में जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो SN1 ही होगा, ठीक है। और दूसरा पाथ जो उसका हो सकता है वो क्या है, SN2। तो SN2 अगर होता है तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप तो सेम ही रहेगी, RO R2, ठीक है, और H प्लस इससे बॉन्डिंग करेगा, तो इट विल फॉर्म प्रोटोनेटेड, ठीक है, आयन लाइक दिस। और फिर जिस R पर, R1 और R2 में से जिस R पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है उस पर I माइनस की रिएक्शन हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो ये लीविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा। तो फिर जो प्रोडक्ट है, इसको मैं अगर R2 ले लेता हूँ, मान लो ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो इस पर अटैक होगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, R2I और R1OH, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स से हम लोग समझते हैं इस चीज़ को। मान लो कि हमारे पास में कोई ये ईथर दिया हुआ है और हमने रिएक्शन करा दी HI की, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये है टर्शरी और ये है 2 डिग्री, तो मैकेनिज्म तो SN1 ही होगा, ठीक है। तो पहले ये प्रोटोनेट हो जाएगा, फिर ये क्या होगा, लीविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा, कार्ब केटायन बन जाएगा और फिर I माइनस से इसकी बॉन्डिंग हम करा देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि दोनों ही तरफ अगर प्राइमरी ग्रुप्स हैं, जैसे कि ये दिया जाता है, तो अब यहाँ पे कार्ब केटायन तो इतना स्टेबल बनेगा नहीं, ठीक है। और जब हम रिएक्शन को कराते हैं HI के साथ, तो हम सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लें कि ये प्रोटोनेशन होने के बाद इसका जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो SN2 होगा और इस पर अटैक होगा, ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बन जाएगा CH3I और यहाँ पर OH आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। पहले आपको मैकेनिज्म डिस्कस करना है, मतलब क्या है, वो मैकेनिज्म डिसाइड कर लिया और उसके बाद फिर प्रोडक्ट के बारे में सोचना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं इस पे आपको दे रहा हूँ, ये करें। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं HI एक्सेस, ठीक है। ठीक है, ये करें।
ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करें। थोड़ा सा पॉज लेकर के आराम से अटेम्प्ट कीजिए। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एचआई की रिएक्शन, और इस पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रख करके हमें करना है क्वेश्चन। ठीक है, ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, इस तरह के क्वेश्चन में कोई झंझट ही नहीं है। जो लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ये बॉन्ड तो टूट ही नहीं सकता, ये बॉन्ड टूटेगा। और अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो एक तो यहाँ बन जाएगा फिनॉल और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ बन जाएगा CH3I। ठीक है, देखो दोनों तरफ ही यहाँ पर 1 डिग्री है, तो रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा? SN2, और SN2 होगा तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ पर हम जोड़ेंगे I, क्योंकि I माइनस न्यूक्लियोफाइल का अटैक वहीं होगा जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, और फिर क्या बना लेंगे? इथेनॉल, ETOH। अब क्योंकि HI एक्सेस में है तो ये दोबारा HI के साथ रिएक्शन करके और ये बना लेगा। तो अल्कोहल की हमने रिएक्शन पढ़ी हुई HI के साथ, इट फॉर्म्स अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, यहाँ देखो आप, इट इज़ टर्शरी एंड इट इज़ 2 डिग्री। 2 डिग्री है तो क्या होगा? SN1 की तरह रिएक्शन होगी, और SN1 की तरह होगी तो यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा आयोडीन। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, ये जो ग्रुप है तो ये 3 डिग्री, बट ना तो ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ केटाइन स्टेबल नहीं है और यहाँ SN2 भी नहीं हो सकता है। तो इस रिएक्शन में बॉन्ड ये वाला ब्रेक होगा, क्योंकि इस बॉन्ड का पॉसिबल नहीं टूटना। अगर ये इलेक्ट्रॉन पे लेकर के जाता है तो यहाँ केटाइन बनना चाहिए, विच इज़ अनस्टेबल, ये ब्रिज हेड पोजिशन है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट साइड में तो बनाएंगे OH और राइट साइड में लगा देंगे आयोडीन। ठीक है, इस तरह से ऑन सिमिलर ग्राउंड्स यहाँ पर भी देखो आप, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक नहीं होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इससे यहाँ पर बन जाएगा OH और यहाँ पर आ जाएगा आयोडीन। ठीक है, इस तरह से SN1 की तरह होगा। यहाँ पर भी देखो, जो लोन पेयर है ये बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, सॉरी O जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो O से तो जुड़ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ आ जाएगा PHCH2I। ठीक है, ये बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर अपन देखें तो जो लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस तरीके से हम आंसर बना लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा CH3I। ठीक है, दैट्स इट। तो HI की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में दोबारा बताया है। और एक और रिएक्शन है ईथर की विद H+H2। तो भाई ये काफ़ी सिंपल रिएक्शन है। H+ और H2 मतलब हाइड्रोलिसिस अगर करा दें एसिडिक मीडियम में तो इट विल फॉर्म अल्कोहल, 2 moles ऑफ अल्कोहल। इसमें तो कोई झंझट नहीं है क्योंकि दोनों तरफ OH ही जुड़ेगा। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन को आप बेसिक मीडियम में करा नहीं सकते हो। ठीक है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन नहीं हो सकती है, एसिडिक में ही होगी। उसका रीज़न भी वही है कि जो ईथर है वो भी क्या है, अल्कोहल की तरह पुअर लिविंग ग्रुप है। जैसे कि हमने HI में कराया, HI की रिएक्शन में हमने देखा पहले ये ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो जाएगा और प्रोटोनेशन के बाद ही इट विल कन्वर्ट टू गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, और फिर मान लो कि रिएक्शन SN1 की तरह अगर होती है तो ये इलेक्ट्रॉन पे लेकर के चला जाए, इस पर आ जाए कार्ब केटायन और फिर ये कार्ब केटायन वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके ये बना लेगा R1OH और H+ बाहर हो जाएगा। दैट्स इट। इसमें कोई झंझट नहीं है क्योंकि दोनों तरफ ही ऑक्सीजन लग रहा है, तो चॉइस वाली बात ही नहीं है कहाँ OH लगे कहाँ आयोडीन लगे। ठीक है, तो दोनों ही मैकेनिज्म हो SN1 SN2 उससे रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो सेम ही आएगा, 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल बनेंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, कहाँ तक मैकेनिज्म लिखोगे तो O से आप H जोड़ दीजिए और R से आप, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस, लेस से मोर, ऐसे बना लीजिए। ये जो ईथर लिंकेज है ये हम आगे पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट में भी होती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी ईथर लिंकेज से जुड़े होते हैं और वहाँ पर हम उसे बोलेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज H+H2O से रिएक्शन कराने पर हमें अल्कोहल मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट और ये ध्यान रखना है आपको, जहाँ भी ईथर और H+H2O की रिएक्शन है, ठीक है, बेसिक मीडियम नहीं एसिडिक मीडियम, तो आपको अल्कोहल बनाने हैं। ठीक है, तो H+H2O की रिएक्शन अगर होगी तो अल्कोहल बन जाएंगे।
जैसे कभी मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा आता है ठीक है, और H+H2O की रिएक्शन ठीक है, और मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर ये थोड़ा डिफरेंट ऑक्सीजन है, आइसोटोपिक ऑक्सीजन है, इस पर H+ और H2O की रिएक्शन, इस पर H+H2O की रिएक्शन। थोड़ा सोच करके बताएं कि इन रिएक्शन से बनने वाले प्रोडक्ट्स क्या होंगे। पहली क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि एक सिंगल ऑक्सीजन एटम है, नॉर्मल है, तो यहाँ पर आप H+ और H2O की रिएक्शन कराओगे तो दोनों तरफ OH OH आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस पर तो आ जाएगा O18 और हाइड्रोजन, और इस पर आ जाएगा CH3OH ठीक है, इस तरह से। सिमिलरली यहाँ अगर अपन देखें तो कार्बोकैटायन बनेगा ठीक है, और SN1 की तरह रिएक्शन होगी, तो यहाँ O18 आ जाएगा और इस पर आ जाएगा OH, दैट्स इट। तो काफ़ी इजी रिएक्शन है, H+H2 ध्यान रखिएगा, ईथर लिंकेज टूट जाता है और दोनों तरफ OH ग्रुप्स आ जाते हैं ठीक है। अब अल्कोहल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वैसे तो हमने डिस्कस किया था अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कैसे पहचानते हैं, हमने डिस्कस किया था सोडियम के साथ अल्कोहल की रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, लुकास रिएजेंट से हमने देखा था टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टर्बिडिटी, अगर इंस्टेंटली या सेकेंड्स में डेवलप होती है तो प्राइमरी सॉरी टर्शरी अल्कोहल, मिनट्स में होती है तो सेकेंडरी, और आवर्स में होती है तो क्या होगा प्राइमरी अल्कोहल ठीक है। तो इसके लिए एक और टेस्ट यूज़ किया जाता है, ये देख लेते हैं हम लोग, टेस्ट फॉर अल्कोहल्स। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, इसको बोलते हैं हम विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, या इसको RBC टेस्ट भी कहते हैं, RBC ठीक है। R यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है रेड कलर, B रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू कलर, और C रिप्रेजेंट कर रहा है कलरलेस। ये समझ में आएगा आपको कि इसको RBC टेस्ट क्यों कहते हैं ठीक है। तो सबसे पहले जो सीक्वेंस फॉलो करते हैं इस टेस्ट को कराने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास में 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल है, तो सीक्वेंस के हिसाब से पहले P+I2 की रिएक्शन कराते हैं। अब आप जानते हो P+I2 आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, Pi3, और Pi3 से क्या होगा, जो OH ग्रुप है ये हट जाएगा और आयोडीन यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। इसके बाद में क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन को कराते हैं AgNO2 के साथ। तो मैंने आप लोगों को हैलोजन डेरिवेटिव टॉपिक में पढ़ाया भी था, SN2 रिएक्शन होगी, और अगर AgNO2 के साथ कराते हैं तो नाइट्रो अल्केन बनते हैं, यहाँ आ जाएगा RCH2NO2, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म ठीक है। और इसके बाद इसका टॉटोमर ठीक है बना लिया जाए, ये टॉटोमेरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका टॉटोमर बना लिया, 1, 2 एंड 3, तो 3 पर पड़ा हुआ एच हमने 1 पे लगा दिया, और डबल बॉन्ड 1, 2 से 2, 3 के बीच में लगा दिया ठीक है, तो ये बन गया। इसके बाद इसकी जो रिएक्शन है वो कराई जाती है NaNO2 और HCl के साथ ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बना है इसकी रिएक्शन RCH डबल बॉन्ड NOH, और ये ऑक्सीजन जो है इसकी रिएक्शन कराई जाती है NaNO2, NaNO2 और HCl के साथ। अब आप जानते हो कि ये डायज़ोटाइजेशन मैकेनिज्म में हम काम में लेते हैं, और इससे क्या जनरेट होता है, NO+ इलेक्ट्रोफाइल, और NO+ इलेक्ट्रोफाइल अल्कीन पर जा करके इस तरीके से ज्वाइन हो जाता है, और इस N पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज ठीक है, इस तरह से ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जुड़ रहा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ स्टेबल है, और क्यों स्टेबल है, क्योंकि ये ऑक्सीजन लोन पेयर के साथ बैक बॉन्डिंग शो कर सकता है, तो
तो ये बैक बॉन्डिंग शो करेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा और H प्लस यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा NO2 दोबारा से विद द लॉस ऑफ H प्लस। तो पहले हमने क्या किया, P प्लस I2 की रिएक्शन कराई, OH हट गया, I लग गया, AgNO2 की रिएक्शन कराई, NO2 आ गया, फिर इसका हमने बना लिया टॉटोमर, और फिर टॉटोमर जो है इस पर NaNO2 HCl की रिएक्शन कराई, नाइट्रोसो NO प्लस, ठीक है, नाइट्रोसोनियम, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह इस कार्बन से जुड़ गया, इस पर प्लस आ गया, डबल बॉन्ड बनेगा, H प्लस बाहर हो जाएगा, ठीक है। और जब इसका ये जो बनता है इसका टॉटोमर एग्जिस्ट कर सकता है, और टॉटोमर जब एग्जिस्ट करता है तो हम ऐसे बना सकते हैं, थ्री पर पड़ा हुआ जो H है उसको तो हम लगा दें वन पर और डबल बॉन्ड यहाँ पर ले आए, ठीक है। और जब इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं तो एसिड बेस रिएक्शन होगी और सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, और इसका जो कलर होता है सोडियम सॉल्ट का वो रेड कलर होता है। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो आप, हो सकता है सीक्वेंस आपके किसी काम ना आए, तो ये रेड कलर अगर आ रहा है इसका मतलब ये 1 डिग्री अल्कोहल है, और ब्लू कलर अगर आएगा तो ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा, और अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो कोई कलर नहीं आएगा, ठीक है। एक बार फिर से देखें, सेम सीक्वेंस जो हम 1 डिग्री पर करवाया है अभी हमने, वो 2 और 3 पर भी हम करवाएंगे, ठीक है। 1 डिग्री से करवाया, पी प्लस आई टू की रिएक्शन, ओ एच हट के आई लग जाएगा, ए जी एन ओ टू से रिएक्शन कराई, एन ओ टू आ जाएगा, एस एन टू रिएक्शन, इसका हमने टॉटोमर बना लिया। टॉटोमर पर हमने क्या किया, टॉटोमर मतलब अल्कीन, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस पर हमने NaNO2 HCl से रिएक्शन कराई, डायजोटाइजेशन की तरह होगा ये, एक्चुअली डायजोटाइजेशन नहीं बोलेंगे लेकिन बनेगा वही, नाइट्रोसोनियम इलेक्ट्रोफाइल हमने यहाँ जोड़ दिया और नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज, फिर O और N के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, H प्लस बाहर हो जाएगा, फिर हमने इसका टॉटोमर बना लिया, ये 3 पर पड़ा हुआ है, H हमने 1 पे लगा दिया, डबल बॉन्ड 2, 3 के बीच में, फिर NaOH से रिएक्शन हमने कराई तो ये सोडियम सॉल्ट बन गया, ठीक है, ओके। तो इसको हम बोल सकते हैं नाइट्रोलिक एसिड, दिस इज नाइट्रोलिक एसिड, और ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रोलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रोलिक एसिड, और इसका जो कलर होता है दैट इज रेड। और मैं आपको बता दूं ये टेस्ट केवल अल्कोहल के लिए नहीं है, अल्काइल आयोडाइड के लिए भी हो जाएगा ये, क्योंकि ये इंटरमीडिएट तो बन ही रहा है, नाइट्रो के लिए भी हो जाएगा, 1 डिग्री नाइट्रो के लिए ये भी इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है। तो ये बात हुई, रेड कलर बनेगा अगर आपने क्या लिया है, प्राइमरी अल्कोहल लिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतना भी याद रखते हो कि RBC टेस्ट तो भी चलेगा, R फॉर रेड, B फॉर ब्लू, C फॉर कलरलेस, रेड कलर फॉर 1 डिग्री अल्कोहल, ब्लू कलर फॉर 2 डिग्री अल्कोहल, एंड कलरलेस फॉर टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। इसमें अगर मान लीजिए कि जो अल्कोहल है वो सेकेंडरी अगर होता, मान लो कि ये अल्कोहल होता, और फर्स्ट स्टेप तो आप जानते ही हो P प्लस आई टू की रिएक्शन, मैंने बताया Pi3 बन जाएगा और OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और यहाँ I आ जाएगा, फिर रिएक्शन कराते हैं AgNO2 के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, SN2 रिएक्शन हो जाएगी और नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इसका टॉटोमर बना सकते हैं, ऑफ कोर्स बना सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा NOH सॉरी ग्रुप, फिर हम रिएक्शन कराते हैं NaNO2 और HCl के साथ, तो यहाँ पर बनेगा NO+, NO+ इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल कार्बन से जाके जुड़ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा NO और यहाँ पर वापस से NO2 आ जाएगा, H+ का लॉस। अब इसके बाद यहाँ टॉटोमर बना पाना पॉसिबल नहीं है, अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल होता तो ये भी हाइड्रोजन होता, यहाँ हाइड्रोजन होता, तो ये टॉटोमर बना पाते हम, इसका टॉटोमर बना पाना पॉसिबल नहीं है। इसका कलर होता है ब्लू और इसको बोलते हैं सूडोनाइट्रोल, सूडोनाइट्रोल, ठीक है, सूडोनाइट्रोल, ठीक है।
तो अगर मान लो 2 डिग्री है तो कलर आएगा ब्लू, और इसको क्या बोलते हैं हम, सूडो नाइट्रोल, ठीक है। और अगर टर्शरी होता तो यहाँ पर एच होता ही नहीं। एक बार अपन देख लें कि अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो क्या होगा। मान लो कि 3 डिग्री अल्कोहल होता तो इस कार्बन पर मान लो CH3 है, एक भी एच नहीं है। इसकी रिएक्शन अपन कराते पी प्लस आई टू के साथ, तो यहाँ पर आयोडीन आ जाता, और AgNO2 के साथ रिएक्शन कराते तो यहाँ आ जाता नाइट्रो ग्रुप। बट फिर आगे रिएक्शन हो पाना इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये टॉटमराइज कर ही नहीं सकता है, सो इट विल रिमेन व्हाट, कलरलेस। तो सूडो नाइट्रोल बन रहा था सेकेंडरी में, दैट इज ब्लू कलर, बट टर्शरी अल्कोहल में रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगी एंड दैट विल बी कलरलेस, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको ऐसे याद करवा रहा हूँ, RBC टेस्ट, ठीक है, रेड ब्लू एंड कलरलेस। 1 डिग्री अल्कोहल रेड, 2 डिग्री अल्कोहल ब्लू, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, कलरलेस। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये कौन सा कलर देगा, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, विक्टर मेयर टेस्ट में ये ब्लू कलर देगा। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्या ये ब्लू कलर देगा विक्टर मेयर टेस्ट में, तो आंसर इज यस, क्योंकि यही तो हम बनाते हैं पहले। क्वेश्चन ऐसे आ जाए क्या ये ब्लू कलर देगा विक्टर मेयर टेस्ट में, तो आंसर इज यस, क्योंकि इसको हम आई को कन्वर्ट NO2 में भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं इसलिए आपको पूरा मैकेनिज्म बताया कि फिर आप पूरा मैकेनिज्म समझने के बाद अब हम लिमिटेड नहीं है कि ये टेस्ट अल्कोहल के लिए है, नाइट्रो के लिए और अल्काइल आयोडाइड के लिए, इनफैक्ट क्लोराइड ब्रोमाइड के लिए भी हो सकता है, क्योंकि Pi3 जो बनेगा वो क्लोराइड ब्रोमाइड को भी सब्स्टिट्यूट कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखें और इसको एक बार लिख लें, कॉपी कर लें अच्छे से। तो विक्टर मेयर टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक टेस्ट हमने और पढ़ा था लुकास रिएजेंट टेस्ट फॉर अल्कोहल, एक टेस्ट हमने पढ़ा था सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन, एक टेस्ट और है इसमें जिसको हम कहते हैं कैन टेस्ट, ठीक है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। तो अल्कोहल को सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से जब रिएक्ट कराया जाता है तो ये कलर चेंज करता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द लिगेंड, ठीक है। यहाँ पर देखो जो अमोनियम आयन है इट इज प्रेजेंट इन द आयनाइजेशन स्फीयर, और यहाँ पे जो सेरिक ग्रुप है, ठीक है, ये क्या है, ये सेंट्रल मेटल आइटम है NO3-, यहाँ पे लिगेंड है 6 है, क्या होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में CeNO3 whole 5 OR, ठीक है, एंड HNO3, और ये कलर चेंज करता है येल्लो टू रेड। ये याद रखना है आपको कि अगर आपको अल्कोहल टेस्ट करना है, टेस्ट नहीं टेस्ट करना है, तो कैन से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल कैन से टेस्ट कर सकते हैं, और इससे यारी निभाई जाती है, ठीक है, यारी निभाई जाती है, मतलब कुछ गलत नहीं लें आप लोग, येल्लो टू रेड हो जाता है, ठीक है। तो अल्कोहल हम टेस्ट करते हैं कैन से, तो कैन से यारी निभाई जाती है, ठीक है, अल्कोहल कैन से यारी निभाई जाती है, और किस में कन्वर्ट होता है, येल्लो टू रेड, ठीक है, नोट कर ले। तो दिस कंप्लीट्स द डिस्कशन फॉर अल्कोहल एंड ईथर। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, आज हमारे पास टाइम है तो कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो जैसे अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन की बात करें, एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन, तो अगर हम रिएक्शन कराते हैं बेंजीन की,
इसमें कोई सब्सटीट्यूएंट वगैरह कुछ नहीं है, और रिएक्शन हम कराते हैं KMnO4 से, एसिडिक मीडियम कुछ भी ले लो आप, सो देर विल बी नो ऑक्सीडेशन, इसका कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम रिएक्शन कराते हैं सब्सटीट्यूटेड अल्काइल ग्रुप के विद KMnO4, तो जो साइड चेन है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और यहाँ COH आ जाता है, ठीक है। साइड चेन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, COH आ जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बड़ी चेन भी है अगर, ठीक है, मान लो ये है, और अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं KMnO4 एसिडिक मीडियम, तो भी एक ही कार्बन बचता है, ये बन जाएगा, ठीक है। तो कितनी भी बड़ी चेन हो कार्बन चेन, इससे क्या होगा, एक ही COH आएगा। एक बार देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए इसे, ओके। एक ये ध्यान रखिएगा, अगर बेंजीन की रिएक्शन कराई जाती है FeSO4H2O2 इन बेसिक मीडियम, तो इट ऑक्सीडाइजेस टू फॉर्म फिनॉल, ठीक है। और ये जो रिएजेंट है FeSO4H2O2 and OH-, ठीक है, इस रिएक्टेंट से अगर हम बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं तो इट कन्वर्ट्स टू फिनॉल, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बेंजीन का ऑक्सीडेशन कराते हैं वैनेडियम पेंटोक्साइड से एट 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 250 डिग्री सेल्सियस, तो इससे भी क्या बन जाता है, फिनॉल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वैनेडियम पेंटोक्साइड, ठीक है, एट 250 डिग्री सेल्सियस इट विल फॉर्म फिनॉल, इसको फेंटन्स रिएजेंट भी कहते हैं, फेंटन्स रिएजेंट, वैनेडियम पेंटोक्साइड नहीं है, FeSO4H2O2 बेस, ठीक है, दिस इज फेंटन्स रिएजेंट। और अगर हम बेंजीन की रिएक्शन या ऑक्सीडेशन कराते हैं वैनेडियम पेंटोक्साइड एट 500 डिग्री सेल्सियस, सो वैनेडियम पेंटोक्साइड एट 500 डिग्री सेल्सियस, सो इट विल फॉर्म एनहाइड्राइड लाइक दिस, ठीक है, सक्सेनिक अनहाइड्राइड, ठीक है, तो इस तरीके का, सॉरी सक्सेनिक नहीं, मैलिक अनहाइड्राइड, ये बन जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर दो बेंजीन होते तो एक का ऑक्सीडेशन हो जाता इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटोक्साइड 500 डिग्री सेल्सियस, ये बन जाएगा, ठीक है। ये खास बात है, अगर मान लीजिए कि दो बेंजीन हैं और एक में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, जैसे OH ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और रिएक्शन वैनेडियम पेंटोक्साइड एट 500 डिग्री सेल्सियस, तो एक तो बेंजीन और दूसरा ये अनहाइड्राइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहता है, मान लो यहाँ पर NO2 ग्रुप है, तो फिर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और वैनेडियम पेंटोक्साइड की प्रेजेंस में 500 डिग्री सेल्सियस पर राइट वाला जो बेंजीन है दैट विल ऑक्सीडाइज, ये बन जाएगा। ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, एक बार आप इसे लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए पॉज लेकर के, ओके। तो यहाँ पर अगर अपन देखें, अगर हम यहाँ पर जैसे हमने नेप्थलीन लिया था, अगर एंथ्रेसीन लेते हैं तो ऑक्सीडेशन अगर हम कराते हैं एंथ्रेसीन के साथ और वैनेडियम पेंटोक्साइड 500 डिग्री सेल्सियस, तो बीच वाली जो रिंग है इसका ऑक्सीडेशन होता है इस तरह से, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज एंथ्रेसीन, ठीक है। ये सारे नाम भी मैंने आप लोगों को एरोमेटिक कंपाउंड जब पढ़ाए थे तब बताए भी थे ये सब। इसके बाद अगर हम यहाँ पर फिनैंथ्रीन लेते हैं, मुझे नहीं पता एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
इसलिए मैं सारी चीज़ें आप लोगों को लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। अब जो जो इम्पॉर्टेंट है वो सब मैंने बता ही दिया आप लोगों को। तो अगर इसका अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं वेनेडियम पेंटोक्साइड एट 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सो दिस इज फिनैंथ्रीन। तो बीच वाली जो रिंग है इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और साइड वाली रिंग का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। इसके बाद अगर हम रिएक्शन कराते हैं 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन की, ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराते हैं अगर वेनेडियम सॉरी H प्लस और K2Cr2O7 से, तो ये भी कन्वर्ट हो जाता है बेंजोक्विनोन में, ठीक है, इट विल ऑक्सीडाइज टू फॉर्म बेंजोक्विनोन। तो हमने डिस्कस किया कि भाई ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके पास कोई भी साइड चेन हो, मान लो दो साइड चेन है ऑर्थो पोजीशन पर, और हम रिएक्शन कराते हैं के एम एन ओ फोर एसिडिक मीडियम, तो इन दोनों का ही ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये बना लेगा थैलिक एसिड। या अगर ये मान लो मेटा पर है, और रिएक्शन अपन कराते हैं सेम, तो इस पर भी क्या होगा, दोनों तरफ सी ओ एच आ जाएगा, मेटा पर भी सी ओ एच आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अगर मान लो कि कोई बड़ी चेन भी अगर है यहाँ पर, मान लो यहाँ साइक्लोप्रोपेन है या कोई और बड़ी चेन भी है कार्बन चेन जिसमें मिनिमम यहाँ पर एक एच है, तो रिएक्शन कराने पर मैंने बताया आपको एक ही सी ओ एच बचेगा। लेकिन अगर रिएक्शन को करवाया जाता है ऐसे साइड चेन से जिसमें अल्फा एच एब्सेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन तो है बट यहाँ पर अल्फा एच नहीं है, ठीक है, तो के एम एन ओ फोर एसिडिक मीडियम के साथ अब इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, बेंजीन का ऑक्सीडेशन होगा और ये बन जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल सी ओ एच, एक ही कार्बन बचेगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, एक बार आप इनको देख लीजिए और पॉज लेकर के कॉपी कर लीजिए। ओके, अगर मान लीजिए कि यहां पर साइक्लिक ग्रुप भी दे रखा हो ऐसे, और रिएक्शन हम करा दें KMnO4 एसिडिक मीडियम, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा बताओ, COOH, ठीक है, थैलिक एसिड। एक इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेशन है, इसको बोलते हैं हम इटार्ड ऑक्सीडेशन, और अगर हम रिएक्शन कराते हैं टॉलवीन की और ऑक्सीडेशन कराते हैं CrO2Cl2 के साथ, तो इट कन्वर्ट्स टू एल्डिहाइड, ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये सारे ऑक्सीडेशन आप एक लिस्ट बना लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। इसमें से मैं बता दूं, इटार्ड ऑक्सीडेशन इम्पॉर्टेंट है, KMnO4 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और फिनॉल का जो ऑक्सीडेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो एक दो तीन चीज़ें हैं जो काम आ सकती हैं। इसके बाद एक लास्ट और हम देख लेते हैं, अगर फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराया जाए K2S2, ठीक है, O8, ठीक है, इसको बोलते हैं पर सल्फेट ऑक्सीडेशन, और इससे दोनों तरफ पैरा पोजीशन पर एक और OH आ जाता है, इसको बोलते हैं एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन, ठीक है, एक बार इनको देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। ओके, सो मैंने आपको बता दिया कि इटार्ड ऑक्सीडेशन, KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन और V2O5, ये इम्पॉर्टेंट है, बाकी सब आप लिख लें, और मतलब जब आपको टाइम मिले, जब आपके टेस्ट हो, तब थोड़ा थोड़ा रिवाइज करें तो काम चल जाएगा। जैसे नेप्थलीन का अगर ऑक्सीडेशन मैंने बताया था ना V2O5 के साथ कराते हैं, तो ये बन जाता है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने लिखा था, ठीक है, अनहाइड्राइट। लेकिन अगर हम रिएक्शन V2O5 से नहीं कराते हैं, अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं KMnO4 और एसिडिक मीडियम, तो दोनों ऑर्थो पोजीशन पर COOH आ जाता है,
ठैलिक एसिड। और अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो इसका नाम है नेप्थलीन। अगर हम रिएक्शन कराते हैं एंथ्रेसीन की ठीक है, तो सॉरी अगर हम रिएक्शन इस तरीके से कराते हैं फिनैंथ्रीन की ठीक है, एंथ्रेसीन की रिएक्शन नहीं होती है, तो फिनैंथ्रीन की रिएक्शन अगर अपन कराते हैं K-4, तो फिर ये बीच वाला जो कार मतलब जो रिंग है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और यहाँ पर भी COH, यहाँ पर भी COH आ जाता है। ओके, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको लग रहा हो कितना याद करवाओगे। मैंने आपको बोल दिया इंपॉर्टेंट है इटार्ड, KMnO4 का ऑक्सीडेशन, वेनेडियम पेंटोक्साइड ऑक्सीडेशन और फेंटेंस रिएजेंट ऑक्सीडेशन ठीक है, वो आप लोगों को ज़रूर पढ़ना है। बाकी आप नोटबुक में लिख लीजिए, कई बार चीज़ें देखते देखते भी याद हो जाती हैं और एग्ज़ाम में अगर आ जाता है तो आपको कौन सा पूरी रिएक्शन लिखनी है वो तो हमारा काम है बोर्ड घिसने का, बार बार बोर्ड पे लिखते रहने का। आपको तो आपने तो सही बबल फिल किया और आपका काम हो जाएगा ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से अल्कोहल फिनॉल अल्कोहल और ईथर टॉपिक कंप्लीट है, फिनॉल वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।